जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हूं हरदीप सिंह। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सिविल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं स्टूडेंट उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक ओवरऑल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी का घर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्लाई ऐश क्या चीज़ है और ये कहाँ से आती है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, जो कहाँ से आता है, किस इंडस्ट्री से आता है? थर्मल प्लांट के से आता है, ठीक है। थर्मल प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट जो कोल वेस्ट निकलता है वो कौन सा होता है? फ्लाई ऐश होता है, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले कि हमें ये देखें कि फ्लाई ऐश क्या चीज़ होती है, हमें थर्मल प्लांट की वर्किंग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक उसका फ्लो चार्ट आ रहा है, एक डायग्राम आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। पर आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चिमनीज बनी है और नीचे एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है जिसके इस बगल में लिखा हुआ है स्टैक, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे बॉयलर और पंप, टर्बाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, कंडेंसर, कोल्ड पंप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी फ्लाई ऐश से पहले हमें एक थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग को देखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक दो चिमनीज बनी हैं और चिमनीज के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर क्या डालेंगे आप? यहाँ पर डालेंगे कोल, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे कोल। ये कोल जनरेट हीट, उसको इग्नाइट करेंगे और इससे क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेशन से क्या होगा कि वो जो हीट है वो हीट को इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए यूज़ किया जाएगा? बॉयलर में जो पानी है उसको बॉयल करने के लिए इस पानी को हीट को यूज़ किया जाएगा। और इससे क्या होगा? जो बॉयलर के अंदर जो हीट है, वाटर है, वो क्या होगा? बॉयल होगा। और उससे क्या होगा? ये वाटर जो है वो स्टीम बनाएगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या जनरेट होगी? स्टीम जनरेट होगी। इस स्टीम का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि इस स्टीम को टर्बाइन के ऊपर हिट करवाएंगे। इस स्टीम को क्या करेंगे? टर्बाइन के ऊपर हिट करवाएंगे। इससे क्या होगा? ये जो टर्बाइन के ब्लेड हैं वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? जैसे ही ये टर्बाइन के जो ब्लेड हैं वो रोटेट होना स्टार्ट होंगे, ये क्या करेंगे? एक काइनेटिक एनर्जी को बनाएंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये टर्बाइन जो है वो किसी एक जनरेटर के साथ अटैच होगी, और उस जनरेटर का काम क्या होगा? जो टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना होगा? इसका काम होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका काम होगा। इस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये था मोटा मोटा वर्किंग ऑफ थर्मल प्लांट। बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है? स्टैक देख रहे हो, स्टैक के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, रेड कलर का। यहां पे क्या करेंगे हम? यहां पे डालेंगे कोल। कौन सा कोल डालेंगे? पल्वराइज्ड कोल डालेंगे। ये पल्वराइज्ड कोल कौन सा कोल होता है? इस कोल में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस कोल में, इस तरह के कोल को हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये एक आम तरह का कोल होता है। इस कोल को हम क्या करेंगे? रोलर के साथ क्रश करेंगे और इसको क्या बनाएंगे? एक फाइन पाउडर बनाएंगे, ठीक है, फाइन पाउडर बनाएंगे। इस पाउडर को बनाने के बाद इस जो कोल के पाउडर को हम 340 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एयर हीट करेंगे। इसको जलाएंगे नहीं, एयर हीट करेंगे इसको, मतलब ड्राई हीट देंगे इसको हम 340 डिग्री की, इस कोल को। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पल्वराइज्ड कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कोल को हम क्या करेंगे? थर्मल पावर प्लांट में डाल देंगे और उसको जला देंगे, ठीक है। उस कोल को हम थर्मल पावर प्लांट में डाल देंगे ताकि वो क्या कर सके? जलने पे हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और डालेंगे तो क्या होगा? जब कोल बर्न होगा तो क्या होगा? वहां पे ऐश बनेगी। वहां पे क्या बनेगी? एक ऐश प्रोड्यूस होगी। कुछ ऐश जो है वो बॉटम पे रेस्ट कर जाएगी, और कुछ ऐश जो है वो चिमनी से धुएं के साथ
एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। कुछ ऐश जो है वो चिमनी के रास्ते किसमें चली जाएगी, चिमनी के रास्ते वो किसमें चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। वो कौन सी ऐश होगी, उसके पार्टिकल्स जो थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, बहुत महीन से पार्टिकल्स थे, वो इतने पार्टिकल इनका साइज इतना लेस था, इतना मिनिमम साइज था कि वो हमें दिखाई भी नहीं दिए, बट वो किसमें चले गए, स्मोक के साथ इन्वायरमेंट में चले गए, ठीक है। अब क्या था, मेन कंसर्न स्टार्ट हुआ यहां पे कि क्या हुआ जब ये 90s की बात है, जब ये थर्मल प्लांट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करवा रहे थे, कोल का इस्तेमाल हो रहा था और फ्लाई ऐश हवा में जा रही थी, हाँ सॉरी, जब वो फ्लाई ऐश सॉरी एक कण जो थे वो हवा में, कोल के जो कण थे वो हवा में चले गए, उससे क्या हुआ, वो कौन से कण थे, वो क्या थी, वो थी फ्लाई ऐश थी, जो कि स्मोक के साथ उड़ गई, जिसको हमने कलेक्ट नहीं किया वो हवा में चली गई, वो कौन सी फ्लैश थी, ऐश थी, फ्लाई ऐश थी। आपने देखा होगा कि अगर आप पेपर को जलाओ, पेपर को जलाओगे आप, तो वो कुछ कण जो होते हैं उसके कुछ धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं वेट में, इसीलिए वो स्मोक के साथ हवा में चले जाते हैं। इसी तरह से ये फ्लाई ऐश थी जिसका कि बहुत लाइट वेट थी और यह स्मोक के साथ हवा में चली गई। अब मेन चीज जो थी वो यहाँ पे स्टार्ट हुई, क्या स्टार्ट हुई कि जो ये फ्लाई ऐश थी ये इन्वायरमेंट में चली गई और इसने इन्वायरमेंट को डिटेरेट करना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कि देखो इन्वायरमेंट के ऊपर तो इसके इम्पैक्ट थे ही थे इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हार्मफुल गैसेस भी थी जो स्मोक के साथ मिक्स होकर इन्वायरमेंट में जा रही थी, बट इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये क्या कर रहा था, इंसानों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को प्रोड्यूस कर रहा था, अस्थमेटिक हो रहे थे लोग, अस्थमेटिक हो रहे थे, स्किन एलर्जी हो रही थी, लंग्स इन्फेक्शन हो रहा था उनको, स्किन इन्फेक्शन हो रहा था उनको, ठीक है। तो ये मेजर कंसर्न हो गया था इंजीनियर्स के लिए कि इसको कैसे हम रोकें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि इसका करना क्या है, पहले इसको हम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चिमनी के ऊपर जो जहां से ये स्मोक के साथ फ्लाई ऐश हवा में जा रही थी, उस चिमनी के ऊपर जो डस्ट कलेक्टर थे वो लगाना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए वो तीन तरह की चीजें यूज करते थे, जिसमें कि फाइबर फिल्टर भी आता था, दूसरा मशीन डस्ट कलेक्टर आता था, और तीसरा जो आता था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल वो करते थे। इनकी वर्किंग के में नहीं जाएंगे हमें अब, तो इन तीनों का काम क्या था कि वो स्मोक को प्यूरीफाई करे, उसमें से फ्लाई ऐश को बाहर निकाल ले और स्मोक को हवा में जाने दे, ठीक है। तो जब उन्होंने कलेक्ट कर लिया उसको, ठीक है, उन्होंने फिर गए किसी इंजीनियर के पास गए होंगे, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस इंजीनियर के पास वो गए, ठीक है, वो किसी इंजीनियर के पास गए होंगे। तो उसने उसको बोला कि भाई लो इसके ऊपर रिसर्च करो और हमें बताओ कि इसके अंदर ऐसा ऐसा क्या क्या चीज़ है कि इसका हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने जब रिसर्च की इसके ऊपर, इसके पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने क्या पाया इसके अंदर क्या है, दो तरह के कंस्टिट्यूएंट थे जिसके अंदर की, जिसको देख के वो खुश हो गए, गदगद हो गए कि वाह ये क्या चीज़ मिल गई हमें, ठीक है। तो क्या देखा उन्होंने इसके अंदर, क्या था, सिलिका था और एल्यूमिना था, मेजर कंस्टिट्यूएंट जो थे वो सिलिका और एल्यूमिना थे, ठीक है। अब जब उन्होंने ये दो मेजर कंटिनेंट इंग्रेडिएंट देखे इसके अंदर, कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर देखे कि ये चीज है इसके अंदर, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये पता लगाया कि ये खुद में एक पोजोलाना है, पोजोलाना सब्सटेंस है। अब ये पोजोलाना सब्सटेंस कौन सा होता है, पोजोलाना सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज तो नहीं होती है सिमिटिशियस प्रॉपर्टीज, बट ये क्या है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं उस सब्सटेंस के अंदर वो सिमिटिशियस प्रॉपर्टीज को शो करवाते हैं, बट वो खुद सिमिटिशियस प्रॉपर्टी नहीं होती है उसके अंदर, सिमिटिशियस कंस्टिट्यूएंट बोल दो या उसकी खुद की प्रॉपर्टी सिमिटिशियस नहीं होती है, बट उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं या इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर सिमिटिशियस प्रॉपर्टीज होती है, तो वो पोजोलाना होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर तो खुद वो है वो सिलिका पाया जाता है और इसके अंदर एक और चीज एल्यूमिना पाया जाता है, तो उनको याद आया, उन्होंने खाई मेंटोस और उनके दिमाग की बत्ती जल गई,
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ को गए। जब उन्होंने सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट और इसके इंग्रेडिएंट्स को टैली किया तो उनको उनके दिमाग में ये चीज वही बत्ती जल गई उनकी, क्योंकि मिंटोस तो उन्होंने खाई हुई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन दोनों ने कंपैरिजन किया उन दोनों के इंग्रेडिएंट्स का, तो उसमें मेजर सीमेंट का मेजर कंटेंट इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, वो होता है सिलिका होता है एक होता है एल्यूमिना, जो दोनों इसके अंदर पाए जा रहे थे। ठीक है, सिलिका जो था वो सीमेंट के अंदर 22% पाया जाता है, एल्यूमिना 5-6% पाया जाता है। ठीक है, तो एक इंग्रेडिएंट की कमी थी, जिस अगर वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर हम डाल देते तो वो ये खुद में सीमेंट की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, ये खुद सीमेंट की तरह बिहेव कर रहा था। तो वो तीसरा कौन सा था, वो तीसरा पार्टी इंग्रेडिएंट कौन सा था, वो था लाइम। ठीक है, वो लाइम जो सीमेंट के अंदर 62% मात्रा में पाया जाता है, वो अगर हम फ्लाई ऐश में मिक्स करें तो वो खुद में एक सीमेंटेशियस सब्सटेंस बन रहा था। ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं सीमेंट में, जिसका नाम जिस कौन कौन से, सिलिका, एल्यूमिना और लाइम। जो सीमेंट में सिलिका की मात्रा 62%, लाइम की मात्रा 62% होती है, वहीं सिलिका की मात्रा 22% होती है, और एल्यूमिना की मात्रा जो होती है वो होती है 5-6%। ठीक है, तो अब उनके पास दो चीज़ें थी, एक चीज़ उन्होंने मिक्स कर दी लाइम। लाइम मिक्स करने से क्या हुआ कि वो खुद में एक सीमेंटिशियस सब्सटेंस बन गया। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वाटर मिक्स किया, और वाटर मिक्स करने के बाद उसने क्या किया, उस ये सीमेंटेड प्रॉपर्टीज को शो करवा दिया हमें। ठीक है, सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, शो करवा दिया। अब उससे हम क्या कर सकते थे, उससे हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। हम सीमेंट को रिप्लेस कर सकते थे कॉन्क्रीट में। ठीक है, हम उस फ्लाई ऐश से कॉन्क्रीट बना सकते थे, सीमेंट बना सकते थे, हम ब्रिक्स बना सकते थे, हम उसे रोड में यूज कर सकते थे। क्यों यूज कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज पाई जा रही थी। ठीक है, अब इसके मैं थोड़ा सा डाटा की बात करता हूँ। जो हमारे इंडिया में एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसने एक डाटा दिया। उसने क्या डाटा दिया कि हमने 2019 और 20 में कितने मिलियन टन फ्लाई ऐश प्रोड्यूस की, कितने मिलियन टन प्रोड्यूस की हमने, 226 मिलियन टन जो थी वो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस की थी, और हमने उसमें से यूटिलाइज कितनी की थी, इसकी इस रेंज है 180-187 के आसपास हमने जो यूटिलाइज कर ली थी, बट फिर भी 40-46 मिलियन टन जो थी वो अभी भी वेस्ट में जा रही थी, इसके ऊपर यूटिलाइजेशन हमें करनी थी। ठीक है, करनी है, सॉरी। तो ये चीजें थी जो कि हमें एक डाटा स्टैट्स हमें दे रहे थे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है हमने, हमने इसका बनाया कॉन्क्रीट, हमने इसका बनाया सीमेंट, बनाया हमने इसका फ्लाई ऐश, इसका हमने फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाई हमने। ठीक है, अब समझते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक कैसे बनी। फ्लाई ऐश आपको समझ में आ गई होगी कि कौन क्या होती है फ्लाई ऐश, कि एक थर्मल पावर प्लांट का बायो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, थर्मल पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे और साथ में ये भी बन गया। बायो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वही होता है कि हम कुछ बना रहे थे और कुछ हमें मिल गया, साथ में हमें कुछ और मिल गया, तो ये बायो प्रोडक्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, हमें साथ साथ में फ्लाई ऐश भी मिल रही थी, तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया। ये एक बाय प्रोडक्ट मटेरियल है, किसका मटेरियल है, ये थर्मल पावर प्लांट का, जिसका कि हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं अभी, कंक्रीट को बनाने के लिए, क्योंकि इसका ब्रिक्स बनाने के लिए, कंक्रीट सीमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में, कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक का साइज के बारे में बात करते हैं। देखो, मॉडलर ब्रिक जो होती है, कन्वेंशनल जो हम पहले पढ़ी है, रेड ब्रिक जिसे हम कहते हैं, रेड ब्रिक का साइज कितना होता था, लेंथ वाइज 190 mm x 90 mm x 90 mm, बट यहाँ पे ये साइज में थोड़ा सा जीत गई है। ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ये साइज में जीत गई है। कैसे जीत गई है, क्योंकि इसकी जो लेंथ वाइज जो इसकी
लेंथ वाइज जो है वो है 230 mm, लेंथ वाइज 230 mm, विड्थ वाइज है ये 110 mm, और ये हाइट वाइज कितनी है 73 mm, 73 mm है ये, सॉरी 70 mm है, एक 230 mm, 110 और 70 mm, और वहीं कन्वेंशनल का साइज जो रेड ब्रिक थी उसका साइज कितना था 190 mm × 90 mm × 90 mm × 90 mm। देख रहे हो फर्क, इकोनॉमिकल तो ये यही होगी क्योंकि यहां पे दो ब्रिक्स की जगह डेढ़ ब्रिक यहां पे यूज कर रहे हैं हम, इकोनॉमिकल तो ये यही हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका वेट, वेट कितना, वेरिएशन कितना है। मैंने ये पहले बोला है कि आपको ये जो है लाइट वेट होती है, लाइट वेट ब्रिक होती है ये, वहीं जहां पे आपकी रेड ब्रिक का वेट कितना होता है, 3 से 3.5 kg का वेट होता है इसका आपका रेड ब्रिक का, वहीं इसका ब्रेड कितना है 2.6, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kg के आसपास इसका वेट है, मतलब ये लाइट वेट भी है, मतलब ये लाइट वेट भी है। इसको आप यूज कर सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इसको यूज कर सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी, बनाने का तरीका सेम है जैसे पहले हमने रेड ब्रिक का देखा था कि मोल्ड के अंदर डाल के ऐसे वैसे वो देख, बट इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली बनाई जाती है, ये मशीन के द्वारा बनाई जाती है, तो उसका तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहले इसका अंदर अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट में सर इसमें डाला जाता है क्या क्या, फ्लाई ऐश डाला जाता है 60% के आसपास, स्टोन डस्ट डाली जाती है 30% के आसपास, और इसके अंदर लाइम डाला जाता है 10% के आसपास। ठीक है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे मिक्सिंग के बाद, और इसके अंदर क्या डालेंगे मिक्सिंग के लिए, मशीन का इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और मशीन में डालने के बाद क्या करेंगे हम इसको प्रॉपर मिक्स देंगे, एक मतलब इतना प्रॉपर मिक्स होता है कि अगर इसकी मिक्सिंग इफेक्ट हो जाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ इफेक्ट हो जाती है, अगर इसकी मिक्सिंग इफेक्ट हो जाए तो इसकी स्ट्रेंथ इफेक्ट हो जाती है। तो इसको प्रॉपर मिक्स देंगे हम, मिक्स देने के बाद क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखिए एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, मिक्स के बाद इसको एक कन्वेयर बेल्ट, इस मटेरियल को उठाएंगे और एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम रख देंगे मटेरियल को, और कन्वेयर बेल्ट में डालेंगे और ये कन्वेयर बेल्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी, घूमेगी, और ये जो मटेरियल को है वो मशीन के अंदर डाल देगी। ठीक है, मशीन के अंदर डालने के बाद ये ब्रिक्स जो है वो जो मटेरियल है वो मोल्ड में चला जाएगा, और मोल्ड को ये ऊपर से किससे प्रेस कर देंगे, एक हाइड्रोलिक प्रेस के साथ इसको क्या कर देंगे, कंप्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, जिससे कि इसका क्या होगा, एक तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी, दूसरा इसके अंदर वॉइड खत्म हो जाएंगे, तीसरा ये क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या और इससे क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये इस सांचे से बाहर निकलेगी, इस मशीन से कंप्रेस होके ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के बाद इसको हम एक वुडन पैलेट पे शिफ्ट करेंगे 2 दिन के लिए, वहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, जो इसके अंदर हमने वाटर मिक्स किया है वो थोड़ा सा हम इसको ड्राई होने देंगे, और उसके बाद इसको ले जाके हम ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देंगे, ओपन ग्राउंड में इसको क्या करेंगे हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद ठीक है, इसको 10 से 15 दिन, किसी किसी बुक में 7 से 10 दिन भी लिखा है, बट आप इसकी एवरेज लेके चलें तो 10 दिन तक इसको आप क्या करो, 10 से 12 दिन तक इसको क्या करो आप क्यूरिंग करेंगे। आप क्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि इसको क्या करोगे आप, पानी करोगे, पानी से इसकी क्या करेंगे आप, तराई करेंगे। ठीक है, तराई करने के बाद ये आपके यूज के लिए रेडी है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, ये ब्रिक आपकी रेडी होगी, अब इसके ऊपर करेंगे टेस्ट। तो टेस्ट इसके सेम है जैसे कि कौन से टेस्ट थे हमारे रेड ब्रिक के लिए हम टेस्ट कर रहे थे, वही टेस्ट इसके लिए भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा किया जाएगा इसके ऊपर, सबसे पहला टेस्ट इसके ऊपर करेंगे हम कंप्रेसिव टेस्ट।
जब कंप्रेसिव टेस्ट किया था इंजीनियरों ने, तो वो हैरान रह गए कि जहां पे हमारे पास रेड ब्रिक के लिए 3 या 4 तरह की ब्रिक्स आ रही थी, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड और फोर्थ क्लास की ब्रिक, वही ब्रिक यहां पे जो आ रही थी फ्लाई ऐश के लिए, वो एक ही तरह की ब्रिक आ रही थी और इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो सभी ब्रिक्स के लिए यूनिफॉर्म थी, अगर इसकी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर की जाए तो। अगर इसकी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर की जाए, इसके अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट डाले जाए, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म थी सभी के लिए, ठीक है। तो वो क्या था, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो रेड ब्रिक थी उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे 35 थी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 100 से 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी। वहीं पे फ्लाई ऐश की जो स्ट्रेंथ थी वो 95 से लेके 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे थी, मतलब ये स्ट्रेंथ में बाजी मार रही थी, क्योंकि वो हमारे पास रेड ब्रिक में एक दिक्कत थी कि वो ए क्लास ब्रिक होगी तभी जाके वो 100 से 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ दे रही थी, बट यहाँ पे जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक थी वो मिनिमम 95 और मैक्सिमम कितनी दे रही थी, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ हमें दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन पे ये पास हो रही थी, वहीं पे हमें दूसरा टेस्ट करना था इसके ऊपर, वो हमने टेस्ट किया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया। और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पे भी सेम वही था कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक क्या थी के लिए अलग अलग पैरामीटर थे। वहीं फर्स्ट क्लास के लिए 20% था और थर्ड क्लास के लिए शायद 25% था। तो वहाँ पे यहाँ पे जब फ्लाई ऐश को टेस्ट किया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में कि 24 घंटे के लिए हमने उसे पानी में डाला, तो जो रिजल्ट सामने आया वो था कि इसका जो रिजल्ट था वो था 6 से 12% ये अपने ड्राई वेट से वाटर को सोख रही थी, ड्राई वेट से ये 6 से 12% अपने पानी को क्या कर रही थी, सोख रही थी। और एक और टेस्ट था, ये था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एक और टेस्ट हमने किया था ई फ्लोरोसेंस, वो सेम ही था कि अगर 10% होगी तो वो स्लाइट है अगर सरफेस के ऊपर, अगर ई फ्लोरोसेंस वही देखा होगा आपने पिछले लेक्चर्स में, अगर नहीं देखा तो अभी फिर से बता देता हूं कि ई फ्लोरोसेंस टेस्ट क्या था। कि अगर आपको ईंट के सरफेस के ऊपर कोई वाइटिश पाउडर दिख रहा है, तो वो जो इफेक्ट होता है, वो जो फिनोमिना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ई फ्लोरोसेंस। और वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो ब्रिक की क्ले होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, अगर एल्कलीज पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। उसी तरह से ये फ्लाई ऐश ब्रिक के साथ भी था कि अगर इसके सरफेस के ऊपर आपको वाइट पाउडर दिखता है और अगर वो स्लाइटली सा है, कोई इसने अब उस पूरे सरफेस को कवर ना करते हुए एक छोटे से पोर्शन को कवर किया है, तो उसको 10% तक हम कंसीडर करते हैं, और उसको क्या कंसीडर करते हैं हम कि वो स्लाइटली सा है, और अगर वो आधा सरफेस उसने कवर किया है ईंट का तो वो क्या है, मॉडरेट है, और अगर पूरा किया है तो वो हाईली रिस्क पे है, हाईली इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे, तो उस ब्रिक को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक की क्या है कि ये क्या होती है, लो परमेबल होती है। लो परमेबल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर है वो बहुत कम सूखता है, उसके अंदर बहुत वाटर जो है वो बहुत कम सीपेज होती है वाटर की। अगर वाटर की सीपेज उसके अंदर कम होगी तो उसके अंदर वाटर रिएक्ट ही नहीं करेगा और इफ्लोरोसेंस होने का चांस ही नहीं होता है, इसलिए ये रेड ब्रिक से बेटर हमारे पास ऑप्शन है ये। तो ये थे टेस्ट। अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं कि रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर क्या कंपैरिजन है। देखो पहला कंपैरिजन देखते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक का कि दीज ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द सीमेंट स्लैग फ्लाई ऐश, ठीक है, सीमेंट यहाँ पे लाइम को कहा जा रहा है यहाँ पे, और फ्लाई ऐश से ये बनती हैं। दूसरा, रेड ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द क्ले ब्रिक्स। सेकेंड पॉइंट है इसका कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर मोर यूनिफॉर्म
एज दे आर कास्ट इन मशीन, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं वो कहाँ पे कास्ट की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑटोमेटिक एक मशीन के अंदर कास्ट की जाती हैं, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस से उसको क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं, जिससे कि ये कॉम्पैक्ट ज़्यादा होती है, डेंस ज़्यादा होती है और इसके अंदर वॉइड्स नहीं होते हैं। ठीक है, वही जो कन्वेंशनल ब्रिक्स हैं उनको भी हम मशीन से करते हैं, बट वो ज़्यादातर वो कहाँ कैसे की जाती हैं, हैंड मोल्डेड होती हैं वो। तो सेकेंड जो ब्रिक्स है, रेड ब्रिक का एग्जांपल लिखो, रेड ब्रिक्स डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म शेप एज दे आर हैंड मोल्डेड। ठीक है, उनको कैसे करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म शेप नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो क्या कर दिया जाता है हैंड मोल्डिंग की जाती है उन ब्रिक्स की। तो थर्ड की बात अगर मैं करूँ तो थर्ड है इसका कि ये जो ब्रिक्स हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं, इनका जो कलर होगा वो कौन सा कलर होता है, सीमेंट ग्रे कलर की ये होती हैं। वहीं पे जो रेड ब्रिक्स हैं वो उनका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि वो रेड टू लाइट ब्राउन है, वो किस तरह किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो करता है कि कौन सी आपने क्ले इसके अंदर इस्तेमाल की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अप टू 75 to 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, मतलब 100 इसका जो है वो 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इसकी जो है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यही वहीं पे जो फ्लाई ऐश की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 75 to 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर तक ये वेरी करती है, पर वहीं पे जो रेड ब्रिक है आपकी वहाँ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी वो कितनी होती है, 100 के आसपास इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट की बात करें हम, जो फ्लाई ऐश को बनाते वक्त जो वेस्टेज होती है, जो वेस्टेज होती है, जो फ्लाई ऐश जब हम बनाते हैं जो वेस्टेज होती है वो कितने परसेंट होती है, 2 to 5% तक वेस्टेज फ्लाई ऐश को बनाते वक्त होती है। वहीं पे अगर हम रेड ब्रिक की बात करें तो वो जो रेड ब्रिक को बनाते वक्त जो वेस्टेज होती है वो कितनी होती है, 10% तक वेस्टेज होती है। वहीं पे वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो 6 to 12% मैंने आपको पहले बताया, और ब्रिक्स जो रेड ब्रिक्स हैं उसका भी आप जानते हैं कि 20 to 25% इसकी क्लास के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। वहीं पे इसकी बात करो, ब्रिक के वेट की बात करें, फ्लाई ऐश के ब्रिक की वेट, तो बताया मैंने आपको कि 2.5 kg इसका वेट होता है, पर वहीं पे जो रेड ब्रिक होती है इसका वेट 3 to 3.5 kg होता है। लास्ट की बात करें कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको, तो जो फ्लाई ऐश की कॉस्ट पड़ती है वो आपको 4 to 8 rupees पर ईंट पड़ती है, पर वहीं पे रेड ब्रिक की कॉस्ट जो आपको पड़ती है वो 5 to 8 rupees पर ईंट पड़ती है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन किसके बीच में, फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक के बीच में। अब बात करते हैं कि अगर आप इन ईंटों को यूज़ करो तो क्या फ़ायदा क्या है आपको। ठीक है, पहला फ़ायदा तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये सस्टेनेबिलिटी का फ़र्क है, मतलब कि ये जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इको फ्रेंडली है और आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं। ये ब्रिक्स ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं, इको फ्रेंडली हैं, तो ये ब्रिक्स इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं ये ब्रिक्स। नेक्स्ट की बात करें तो ये ब्रिक्स जो हैं वो फायर रेजिस्टेंस है। इस ब्रिक के अंदर क्या मिलेगी, ऑर्डिनरी ब्रिक्स से ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। तीसरी बात, ये हीट रेजिस्टेंस भी हैं। गर्मियों में जैसे ऑर्डिनरी ब्रिक का स्ट्रक्चर अगर बना होगा तो वो गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है, यहीं पे अगर आपको ये ब्रिक्स आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगाते हो तो ये हीट रेजिस्टेंट है, आपको गर्मियों में ये गर्मी नहीं प्रोवाइड होगी, ये हीट को क्या करेंगी, बाहर रोके रखेंगे, रेजिस्टेंट है ये, हीट रेजिस्टेंट है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। तीसरी बात, ये साउंड प्रूफ है। ठीक है, अगर आपकी ऐसे इंसान हो जिसको प्राइवेसी चाहिए, जो चाह जिसने ये कहावत दिल पे बैठा रखी है अपने कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो उनके लिए ये ब्रिक बहुत बड़ी मज़ेदार है। दूसरा, ये आपकी प्राइवेसी को भी बनाए रखेगी, समझदार हो है ना, तो ये आपकी प्राइवेसी को भी बना के रखेगी। ठीक है, मतलब इससे आपके कमरे के साउंड जो है वो बाहर नहीं जाएगी, साउंड प्रूफ
होती हैं ये, ठीक है। और बात करें तो ये है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल है ये, ड्यूरेबिलिटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूरेबल होती हैं ये ब्रिक्स, ठीक है। लो परमिएबल होती हैं, लो परमिएबल का मतलब है कि इसके अंदर वाटर जो है वो नहीं सीप होता, मतलब नहीं अब्जॉर्ब होता है इसके अंदर वाटर इतनी जल्दी। जहां पे वाटर की सीपेज लेस होगी वहां पे ई फ्लोरोसेंस का चांस वेरी लेस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, ना वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब हो पाएगा ना ये वो धीरे धीरे इसको ड्यूटोरेट करेगा, तो इससे क्या होगा ये ड्यूरेबल ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसको कहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, जैसे दूसरी जो ऑर्डिनरी ब्रिक है आपको उसको यूज करने से पहले 24 घंटे पानी में अब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। बट इसके लिए क्या है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप इसके लिए स्प्रिंकल ऑफ वाटर भी कर देंगे तो इसके लिए इनफ है, ठीक है। मतलब कि उसको वाटर को अब्जॉर्ब करवाने के लिए, ताकि वो सीमेंट मोर्टार जो आप उस बिल्डिंग उस ईंट के ऊपर यूज कर रहे हो, जो मोर्टार आप, ये ऑर्डिनरी ब्रिक की बात कर रहा हूं, जो रेड ब्रिक है उसके अंदर क्यों इसको वाटर में रखा जाता है, ताकि जो अगर उसके ऊपर आप मोर्टार अप्लाई कर रहे हो तो वो जो ब्रिक है वो मोर्टार के पानी को ना सोखे। अगर वो मोर्टार के पानी के से वो सोख लेगी तो मोर्टार के पास बचा ही क्या, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बाउंड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि स्ट्रक्चर आपका डिटेरेट हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब कर, बहुत कम वाटर को अब्जॉर्ब करती है, जिससे कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। कहाँ कहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके दो फैक्टर हैं, देखो एक तो यह है ये लाइट वेट, दूसरा है इसका ऑर्डिनरी ब्रिक से इसका साइज है ज़्यादा, मतलब ऑर्डिनरी ब्रिक यहाँ पे डेढ़ लगेगी, वहाँ पे ये एक लगेगी, तो इकोनॉमिकल ये है। लाइट वेट है तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, फैक्ट्रीज बनाने के लिए लार्ज स्ट्रक्चर बनाना है आपको वहां पे यूज कर सकते हो, वेयर हाउस में यूज कर सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हो, हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं इसके फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल इस ढूंढा था इसको, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च किसने की थी। हेनरी ल्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे, हेनरी ल्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने इसको सबसे पहले 1999 में, उनके पास कोई इस फ्लाई ऐश को लेके आया था, तो उन्होंने इस ब्रिक को इन्वेंट करने में इन्वेंट किया था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि इसके अंदर सिलिकस और एल्यूमिनियम सब्सटेंस पहले से पाए जाते हैं, जो कि सीमेंट के मेजर इन्ग्रीडियंट हैं, तो उन्होंने इसके अंदर लाइम मिक्स किया, लाइम मिक्स करने से इनको पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, सिमेटिशियस प्रॉपर्टीज हैं। तो हेनरी ल्यू नाम के, जिनका जन्म 1936 में हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले 1999 में इसको ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है। बाद में 2009 में उनको इस इन्वेंशन के लिए, इस नोबल कॉज के लिए उनको $1,00,000 का इनाम मिला अक्टूबर में, अक्टूबर शायद 1 अक्टूबर को 2009 को मिला था हेनरी ल्यू को अवार्ड मिला था इस चीज़ का, कि $1,00,000 का, कि आपने ये इन्वेंशन की है, ठीक है। और विडंबना देखो भगवान की, कि 1 दिसंबर 2009 को वो कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो मतलब 1936 में जन्मे थे और 2009 में ख़त्म हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 73 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। तो ये सारा था थैंक्स टू मिस्टर ल्यू, हेनरी ल्यू सर, कि उन्होंने ये चीज़ की, ये इन्वेंट किया है, तो आज हमें पता है कि ये ब्रिक्स। और अगर इन फ्यूचर अगर आप ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो एक बार फ्लाई ऐश ब्रिक्स को जाके देख के आएँ कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों हैं। आज हिमाचल में तो नहीं मेरे को पता, बट पंजाब में बहुत सी जगहों पर फ्लाई ऐश ब्रिक का प्लांट लगा हुआ है, और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है इसका, तो राइट नाउ इज परफेक्ट टाइम फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस, करो आप इसका बिजनेस, बहुत चलने वाला है, क्योंकि ये अब ऑर्डिनरी ब्रिक को रिप्लेस कर रहा है आने वाले टाइम में, अभी ही रिप्लेस करना स्टार्ट कर गया है ये, तो आने वाले टाइम इसी का ही है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो इसका बिजनेस कर सकता है, ठीक है। और ये सारा था फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के तक पहुँचे, और प्यार दें अपना, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।